हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद फिर से एक छोटा सा ब्लॉग लेके आ गई हूँ और कोशिश करूँगी कि आप लगातार ब्लॉग डालूँ। तो यहाँ पे अभी नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब खाना पीना सारा हो गया है, बस बाल थोड़ा लेट से झाड़ कंघी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मेरा मन हो रहा था दो चोटी करने का। बाल तो वैसे काफ़ी बड़े हो गए हैं क्योंकि कटाए हुए मुझे 1.5 साल से ज़्यादा, मुझे लगता है 1.5 साल हो गए हैं और बाल काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो सोचा कि चलो थोड़ा इसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दो चोटी में अच्छा तो लगता है, दो चोटी करके बस पहले वाली जो पुरानी पहले के टाइम पे मतलब जो भी होती थी ना, दो चोटी करके रहती थी। अभी तो फैशन हो गया है खोल के रहो, स्टाइल मार के रहो। पहले की जो महिलाएं होती थी वो ज़्यादातर दो चोटी करके, हमारे यहाँ तो मम्मी लोग जो होती थी ना वो ऐसे ही रहती थी दो चोटी करके। उनका फ़ोटो भी है, बहुत प्यारा लगता है। बस मेरे बाल थोड़े पतले हैं, मम्मी लोग के बाल और ही ज़्यादा मतलब अच्छे रहते थे, घने रहते थे। तो यहाँ पे एक चोटियाँ मेरी बन चुकी है, देख ही सकते हैं थोड़े पतले से बने हैं पर लेकिन अच्छे बने हैं, लंबे से हो गए हैं तो एक चीज़ ये है कि अच्छा लगता है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए, एक चीज़ है, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट से कुर्ती ऑर्डर करी थी तो वो आ गया था, तो मैं जाके लेके आई 11:30 के टाइम पे वो लेके आया था। मैं काफ़ी टाइम खड़ी रही उसके बाद लेके आया। तो ये देख सकते हैं, ये हमने ओपन कर लिया हुआ है। ये पिंक कलर का सूट मतलब कुर्ती है और सेम इसी तरीके का मैं पहले और मंगाई थी, वो मतलब आसमानी कलर टाइप का है। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा है ना, प्योर कॉटन में है, तो मैंने कहा चलो कि एक और ही मंगवाते हैं। तो दूसरे कलर में मैंने मंगवाया, पिंक कलर में, जो मैंने पहना है सेम वही कलर है, थोड़ा चेंज है। तो बहुत अच्छा लगा, कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई, तो इसको रख लेना है। और इसको मैंने फ़िलहाल अभी जो है ना कोई भी कॉटन का कपड़ा होता है या कोई भी बाहर से, मैं जब भी कपड़ा लेती हूँ ना तो उसको पहले धुल लेती हूँ। तो ये मैंने फिलहाल पानी में इसको डिप करके रखा हुआ है। कॉटन है तो थोड़ा जो भी है वो धुल लो एक बार ना, तो कलर वलर का भी पता चल जाता है। और धुल लेने से जितना उसको सिकुड़ना रहता है कपड़े को, सूती कपड़ा में थोड़ा बहुत चढ़ता है, तो वही देख रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत तो चढ़ेगा ही। तो उसको रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, फूल जाए मतलब अच्छे से हो जाएगा तो उसको फिर पानी से निकाल के रख दूँगी सूखने को। उसके बाद मैं इधर ही थी बाबू के पास ही, तो ये थोड़ा सा हिल डुल रहा है तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। तो तकिया लगा देती हूँ अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो, क्योंकि ये पूरा पलंग है ना बेड पे इधर उधर करता रहता है, थोड़ा बड़ा हुआ है पूरा इधर उधर करता रहता है, तो चलता नहीं है मतलब चल नहीं पाता, लेकिन हिलते ही हिलते हैं ऐसे ना पूरा घूम जाता है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों से कुछ दिखा रही हूँ, मैं मार्केट गई थी ना तो काफ़ी कुछ ले करके आई हूँ। दरअसल ये है मेरी जो हस्बैंड है उनकी बहन है, उनकी सांस मतलब मेरी ननद की सांस है वो ख़त्म हो गई, तो मायके से बहुत कुछ चीज़ें जाती हैं जो तेर भी होती है उस दिन को पहन के जाना पहनना होता है। और सारे जो रस्म मतलब होते हैं वो यही कपड़े पहन के होते हैं, मायके के कपड़े पहन के होते हैं। तो वही काफ़ी सारा चीज़ें है वो जो ले के आए हैं, तो ये दीदी और जीजा जी के लिए हैं। तो ये कप पजामा कुर्ता है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पता नहीं ये कहाँ कहाँ चलता है, ये डारा होता है जो जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो पहनते हैं हमारे इधर। तो ये ब्लैक कलर का भी रहता है और एक थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप का भी रहता है, पूजा पाठ में ऑरेंज टाइप का ही चलता है और ये ब्लैक ऐसे सब हमेशा। तो ये रखा हुआ है, रख दिया हमने। और उसके बाद ये धोती, क्योंकि बिहार में धोती कुर्ता ये सब का प्रचलन रहता है आप सबको पता ही होगा। तो ये जो धोती है, धोती कोई भी जब हमारे यहाँ मतलब इस तरीके का काम होता है तो ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहने जाते हैं, तो धोती कुर्ता ही पहना जाएगा। तो ये धोती है, ये रख दिया हमने। और इसके बाद जो काफ़ी सारा रस्म होता है मरते हैं तो 13 दिन तक कुछ ना कुछ करके होता ही रहता है।
लास्ट दिन 13वीं के दिन काम हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये बनियान हो गया, तौली गमछा हो गया, और चद्दर पगड़ी कहते हैं हमारे, तो वही चद्दर था ये, और पगड़ी के लिए छोटा सा वो है, और ये अंडरवियर है जो दिखते हैं चड्डी जो पहनते हैं बनिया, तो उसके जगह जी जो अंडरवियर पहनते हैं, जो आपने शक्ति कपूर को काफ़ी सारे मूवी में पहने हुए भी देखा होगा, फिल्मों में पहले इसी तरीके का अंडरवियर पहनते थे, तो सेम वही वाला है जी। यहाँ हमारे जो जो मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा बुजुर्ग एज जिनका ज़्यादा रहता है, बुजुर्ग नहीं कह सकते पर हाँ जिनका एज थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, जो शुरू से पहनते आए हैं, तो वो पहनते हैं अभी भी यहाँ पे यही वाला अंडरवियर, तो देख के कहीं आप सबको हंसी भी आ गई होगी। तो इसके बाद दीदी के लिए जो लिया हमने साड़ी लिया है, लिया हुआ है, ये थोड़ा पिंक कलर में है लेकिन कैमरे पे थोड़ा चेंज आ रहा है, पिंक कलर में साड़ी तो वैसे बहुत अच्छी है, ये देखिए मोर बना हुआ है, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ये हो गई है कि साड़ी की हाइट ना छोटी पड़ गई है, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि और दीदी को आ नहीं पाएगा, तो सोच रहे हैं फिर से मार्केट जाके और देखते हैं साड़ी का क्या करना है, ये उनको आ नहीं पाएगा तो दूसरा देखते हैं मार्केट जाना होगा। और ये मम्मी का मैंने जो दो ब्लाउज सिलने के लिए दिया था वो टेलर के पास से लेकर के आई, अच्छा सिला हुआ है। तो ये सब हो गया है, शाम में जाने की तैयारी भी करना है, मार्केट जाना है, ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं मतलब जाना है, परेशानी हो जाती है जाने आने में थोड़ा बहुत, बस हो गया। और ये है वही साड़ी का पेटीकोट और ब्लाउज़ लिया हुआ था हमने, देखते हैं वापस करता है कि नहीं दुकान वाला, कर ले तो अच्छा है, ना करे तो भी अच्छा है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग फिर से आएगा जल्दी ही, बाय बाय।